आज हमें केक बनाने के लिए एक बड़ा सा कुकर लिए। कुकर के अंदर एक स्टैंड रख दिए। स्टैंड के अंदर फिर हम रख रहे हैं एक छोटे सा झन्नी का जैसा जाली। पहले नमक थोड़ा गर्म होने के लिए हमें ढक्कन लगा के थोड़ा हीट होने के लिए रख देंगे। थोड़ा हीट होने के लिए हम रख देते हैं। केक बनाने के लिए बटर, दूध, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मैदा 1 कप, आधा कटोरी आगे चीनी पाउडर, तेल, मिल्क मेड, विनेगर, वेनिला एसेंस, चेरीज। अब हम शुरू करेंगे। बटर में थोड़े से ऑयल डालेंगे। अब इसमें हमें आधा कटोरा चीनी पाउडर भी ऐड कर रहे हैं। फिर एक बार अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बटर, चीनी पाउडर, ऑयल, ये तीन डाल के अच्छे से मिक्स करें। हमें अच्छे से मिक्स हो गया ये। रूम टेम्परेचर मिल्क 1 कप विनेगर डाल रहे। अब 2 से 3 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस भी डालते हैं मिल्क में। 1 कप हम इसमें मैदा डाल रहे हैं। हमें मिल्क मेड भी थोड़ा ऐड कर रहे हैं इसमें। अब अच्छे से एक बार मिलेंगे। इसमें हमें अब ऐड कर रहे हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ये दो चीज़ डालने से आपको केक अच्छे से फूलेगा। फिर एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। आटे को अच्छे तरीके से मिला देना चाहिए इसको। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डाल रहे हैं इसमें, एक साथ में नहीं, थोड़ा थोड़ा डाल के। दूध पूरा लगेगा इसको। ज़्यादा ज़ोर से आटा नहीं मिलाना चाहिए, धीरे धीरे। में हमें ये भी मिला दे रहे। फिर एक बार पूरा आटा हमें अच्छे से मिलाएंगे। चेरी डाल रहे हैं हमें, रेड कलर, ग्रीन कलर इसमें ऐड कर रहे हैं। ये छोटे छोटे शॉप में काम भी हो आसान से मिल जाएंगे। इसमें थोड़ा हमें बटर डाल के थोड़ा से पिघलना चाहिए, सो भी चौड़ा करना चाहिए। बटर पूरा पिघला हुआ, अब इसको पूरा फैलाना चाहिए, भुगने को पूरा आसपीर फैलाना। इसमें थोड़ा सा हमें मैदा डाल के आसपीर डालेंगे। अब हम इसमें बटर डाल के थोड़ा से पिघला के उसमें सूखा आटा भी मैदा का छिनक के अब इसमें हमें ये केक का मिक्स करें से पूरा आइटम डाल रहे हैं। भगोना थोड़ा चौड़ा रहना चाहिए, ऊंचा भी रहना चाहिए, क्योंकि मिलाइए सब केक का पूरा आधा कटोरा से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ये फूल जाएगा ना। छोटा रहने से बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कनेट पीस भी बारीक कटा हुआ डाल रहे हैं। हम आगे इसमें थोड़ा से नमक डाल के स्टैंड रख के इस पर छोटे से जाली जैसा रख दिए, आटे का जाली जैसा। इसके ऊपर हम ये बगना रख दे रहे।
इसको अंदर वाचर भी नहीं, ऊपर से विजिल भी नहीं। हाई भी नहीं, लो भी नहीं, मीडियम साइज। चालीस मिनट तक हम छोड़ देंगे, मगर 35 मिनट की एक बार चेक कर लेने चाहिए। अब 40 से 50 मिनट के ऊपर ही छो गया। अब हम देख रहे हैं केक कैसा बना हुआ। देखिए केक बना हुआ, थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा होने से पूरा भी छूटेगा। जब हम बताते हैं चाकू चुबा के हम देख रहे हैं, इसको आटा नहीं लगना चाहिए, नहीं लगे है ना, इसलिए अब केक तैयार हो गया। देखिए हमारा केक हल्के से छूट गया एकदम। आप लोग भी बना लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर, पूरे चीज़ आप लोग को बताइए ना। आप लोग भी बना सकते हैं, कोई भी बनो, तकलीफ ही नहीं, बहुत सुंदर से आ जाएगा। हम कैसा करें प्रोसेस, आप लोग भी ऐसा ही करिए, बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आने से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।